हाय व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी गॉसिप गुरु। आपको मालूम है कराची में डकैती स्नैचिंग का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आज हम सारे कंटेस्टेंट से एक बड़ा मासूम सा सवाल पूछेंगे कि शताज, अगर आपके पास कोई डकैत आ जाए पिस्टल लेके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, ये हादसा मेरे साथ हो चुका है एक दफा जिंदगी में। हाँ, दिन में आड़े हुआ था। अब वो डकैत तीन थे, एक इस तरफ थे, दूसरी तरफ थे बाइक पे, और हम ऑटो में बैठे हुए थे। ओके, तो मैं और मेरी बहन, आप बताओ। और मैं तो ऊपर के शीशे लग गए थे और उनको डरा रहे थे, वो हमें कर रहे थे, फोन छुपा रहे थे। मम्मा हमारी बेचारी रक्षा में बैठ गई। जब हमने पकड़ी, देखो मम्मा बैठी थी, हम मम्मा के पास गए और वहाँ पे मम्मा का कवर छीनने में लगा हुआ था। इतने में उसने मम्मा का कवर छीना, हम लोगों ने उनको सेक्टर लगाया और वो भाग गए। उनके पास पिस्टल नहीं थी। सर, पिस्टल नहीं थी, ठीक है। अगर आपके पास कोई पिस्टल वाला डकैत आ जाए और यहाँ रख दे, चलो भाई निकालो, क्या करेंगे आप सबसे पहले? और अगर उसके पास रिवॉल्वर नहीं होगा तो फिर मैं उसको मार दूंगी। उसको मार देंगी पक्का, जैसे कि अभी। जी चले जी, थैंक यू उमर भाई। उमर भाई, स्नैचिंग बहुत बढ़ गई है कराची में। अगर आपके पास डकैत आ जाए, पिस्टल लगा दे आपके, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? क्या दे दोगे? जो वो सब कुछ दे दोगे। और अगर उसके पास पिस्टल नहीं होगी तो? नहीं आ रहा है, दे दूंगा यार, मेरे घर वाले, मेरे बीवी बच्चे, माँ बाप सब इनको दे दूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको अपनी जान की परवाह होगी, अपनी जान बचाएंगे आप? यार मेरे, क्या उससे आप लड़ेंगे? नहीं लड़ना वरना फसूले। अच्छा, झालक क्योंकि आएंगे तो दो तो नहीं आते, आगे पीछे कोई और भी हो, अल्लाह ना करे मेरे को मारने के टाइम किसी और को लग जाए तो यार सब नुकसान। तो ये चीज आनी जानी, अल्लाह बात छोड़ देगा। मतलब अपनी आप जान बचाएंगे, ठीक है जी, बहुत आला, जबरदस्त। जैन बलोच इधर आइएगा जरा, जैन बलोच अगर आपके पास। अच्छा, सेल्फी ले यार। क्या ले भाई? ब्रो क्या ले? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी डकैतियां हो रही है कराची में, बहुत सारे मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं गन पॉइंट पे। अगर आपके पास कोई डकैत आ जाए, अगर आपके पास कोई डकैत आ जाए तो क्या करोगे सबसे पहले? कल फेस किया है, कल मैं खाना खा के रात को आ रहा था अपने घर पर, दूसरे वाले रोड पर डकैती हो रही थी और मैं इस तरफ रुका। मैं समझा शायद कुछ मसला हो गया है, रश लगा हुआ था, तो मैं देखने के लिए रुका। जब देखा तो नोटिस किया कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग बाइक रोक के वहीं से मुड़ रहे थे। जब उन्होंने मेरी तरफ फोकस किया ना, तो उन्होंने अपनी बाइक्स वगैरह स्टार्ट की और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं इतनी स्पीड में भागा हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इमरान के पीछे डकैत कर लग गए थे और इमरान बच गया। भाई डकैती बहुत हो रही है। सबसे पहले तो ये आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले, अल्लाह का नाम लेके निकले, इससे बढ़कर कोई हिफाजत नहीं। यार मुझे पता चला है कि मुस्कान बड़ी निडर और बड़ी दिलेर लड़की है। ये लाइक ये बहुत बहुत निडर है मुस्कान। अगर आपके पास एक डकैत आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल, और वो आपसे बोले भाई गन पॉइंट पे बंदा गोली मार दूंगा, सारी चीजें दे दो जो भी है सब दे दोगी? नहीं यार, चीजें क्यों दूंगी, इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत, तो गोली मार देगा ना फिर वो। यार जो आजकल के तो चोर है ना, वो छल्लो वाली गन लेके फिर रहे होते हैं। आप बोलो ना हाँ भाई नहीं दूंगी, हाँ। तो गोली मार देंगे, तो इतनी देर में आप कोई ना कोई हरकत कर दो ताकि वो कुछ ना कुछ करके। कि आजकल जो इतनी क्लिप्स देख रही हूँ ना, कि छोटा छोटा एक बच्चा था, वो जो अभी वहाँ पे वो साइकिल फेंकते उसको गिराया चोर को। अच्छा, तो हम लोग तो कुछ ना कुछ नहीं, तो आप मतलब जज कैसे करोगी उसके पास असली पिस्टल है या छर्रे वाली पिस्टल है? यार मैं उसको इतना मौका ही नहीं दूंगी कि वो लौट करे, बट मैं मोबाइल नहीं दूंगी। अच्छा, आपको और अगर उसके पास पिस्टल नहीं हो, विदाउट गन के अगर वो आ रहा है, फिर आप क्या करोगे? तो मैंने कुछ कराटे स्कूल में से कराटे क्लासेस वगैरह, जरा करके दिखाना शुक्षु जैसा शताज ने किया। ओके भाई थैंक यू। अरे इमरान भाई नहीं हूँ आपका, हो गया, क्या करेंगे आप? डकैत आएगा तो भाई राजू इमरान, मैं एक बात में एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई आता भी है, हाँ। तो भाई कोई भी ऐसा एक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये फिल्मों में होता है हीरो बनना, आप जो भी है भाई जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। दे दो फिर वो चीजें आ जाएंगी यार। लेकिन एक बार अगर आपको आप इंजर्ड हो गए या जिंदगी चले गए, वो चीज वापस नहीं आती। मेरे दोस्त है, उसको यहाँ पर किडनी पे उसको गोली लगी थी, उसकी किडनी जो है ना खत्म हो गई, एक को पैर पे गोली लगी वो खत्म हो गई। हालांकि ऐसा हुआ है कि एक बार मैंने भी फेस किया, हम भागे हैं पकड़ने के लिए, मेरी यहाँ से भिड़ गई। तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी भाई, चीजें वापस आ जाती हैं। अच्छा, डकैत जो चीज मांगे वो हम दे दें? डकैत
जो चीज मांग रहे हैं आपसे, चीज मांग रहे हैं, जो चीज आपसे डकैत मांग रहा है वो आप दें, जो पब्लिक से मांग रहे वो तो मोबाइल और पैसे ही होंगे, आपसे क्या वो तवक्को रख रहा है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से किसी पठान डकैत का समाता होगा। चलो वो तो दुआ भी भाई हमने सुना है कि दुआ बड़ी निडर लड़की है, बड़ी बड़ी दिलेर लड़की है दुआ। आजकल कराची में स्नैचिंग बहुत ज्यादा चलती है, अगर कोई डकैत आ जाए उसके हाथ में पिस्टल हो और वो यहाँ रख दे आपके और बोले भाई पैसा मोबाइल छोड़ दो, अब कुछ भी नहीं करेंगी। वैसे ऐसा नहीं है, आई ट्राई अगर मैं उसको बचा सकूं तो मैं बचा लूं, बट अगर मैं तो जान से बढ़ के कुछ भी नहीं। और अगर उसके पास पिस्टल ना हो, वो विदाउट पिस्टल है लेकिन वो लूटना है, मुक्का कैसे मारेंगे, इधर इधर स्क्रीन में मार के देगा कैसा मुक्का, किस तरह मुक्का मारेंगे। वाह वाह वाह, चलिए दुआ, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई कैसे, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई कराची में डकैतियां हो रही है, मोबाइल पैसा लूट मार सब कुछ हो रहा है, अगर डकैत आपके पास आ जाए और पिस्टल यहाँ रख दे, इधर रख दे ऐसे करके और बोले सब निकाल दो, सब दे दोगे अगर मेरे पास आ जाए? हाँ, मैं आपको नहीं पता क्या करोगे। 10 मुहर्रम को मेरे पास आ गए थे डकैत, आ गए थे पिस्टल लेके, सारी पब्लिक जानती है ये बात, पिस्टल लेके आ गए थे, फिर आपने क्या किया? मेरी गाड़ी में आकर बैठ गए थे और ये वाला सीन क्या उन्होंने आके मैंने किया गया ये बता बस, मैंने मेरी हट गई, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने लो भाई मेरी हट गई, मैंने गाड़ी की चाबी लगाई, मैंने बोला भाई जो दे रहा सब ले ले, ये ले मोबाइल दिया, दोनों मोबाइल दे दिए उसको, मैंने सब दे दिया, उसको ज्यादा थे बोला पावर बैंक, मैंने बोला पावर बैंक लेगा तू, उसने बोला हाँ, मैंने बोला ले तेरे लिए लिया था, खतरनाक सीन हुआ मेरे साथ भाई, क्या हो गया। और अगर वो अगर कोई विदाउट रिवॉल्वर आ जाए फिर तुम क्या करोगे? विदाउट रिवॉल्वर भी आया था एक दफा मेरे पास घिसरी के पुल पर, फिर क्या वहां तो मैं विदाउट रिवॉल्वर थे ना वो, उन लोगों ने मुझे बस ऐसे इशारा किया, अच्छा डकैत बोला तेरी में ऐसी की तेजी, और मैंने सब दे दिया। अच्छा डकैत तुमसे जो मांगेंगे तुम दे दोगे? जो मांगेंगे क्या मतलब, जो चीज मांगेंगे दे दूंगा, जो भी चीज मांगेंगे, मोबाइल पैसा समझ रहे हो। शराबेल मेरे भाई मेरे दोस्त कैसे आप, ठीक ठाक? तबीयत ठीक है, बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपकी बातें आपके वो जो परफॉर्मेंस होती है बहुत याद आती है यार, आई मिस अ लॉट यार। तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, दोबारा आने वाली दोबारा आप हमें जो है वो करेंगे, एंटरटेन करेंगे ऐसा ही। अच्छा शराबेल भाई, कराची में डकैती और लूटा मारी ये बहुत बढ़ गई, तो अगर डकैत आपके पास आ जाए पिस्तौल लेकर, पिस्तौल यहाँ लगा दे, थोड़ा सा नीचे लगा दे, यहाँ लगा दे, तो क्या आप सब कुछ दे देंगे डकैत को? देखो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ डकैतों को, अप्रिशिएट करते हो कैसे? क्यों क्यों क्यों? देखो हर बंदा अपने काम में कोई ना कोई दो नंबरी कर रहा है, लेकिन सिर्फ चोर वायत ऐसा इदारा है, ईमानदारी से उनका काम काम क्या है, चोरी करना, ईमानदारी से कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत आला, ठीक है तो तुम दे दोगे? हाँ दे देगा भाई, खरीद तो उनके लिए, आप इसने बोला मैं दे दूंगा डकैत को, जो मांगेगा दे दूंगा, जो नहीं वो मुझे तकलीफ होगी। अच्छा अगर चीजें जाएंगी, अच्छा अगर डकैत विदाउट गन के आता है, उसके पास पिस्टल नहीं है और वो आपके पास आके स्नैच करता है कुछ भी, तो क्या करेंगे आप? मैं बोलूंगा चीजें ले जाओ, लेकिन कल आगे गन जरूर दिखा जाना, चीजें ले जाओ और गन कल आके दिखा देना, लेकिन चलो भाई थैंक यू सो मच। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर डकैत आपके पास आता है और उसके पास पिस्टल है और वो आपसे कहता है कि बस दे दो जो कुछ भी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई डकैत आपके पास आता है उसके पास पिस्टल नहीं है तो आपके क्या रिएक्शंस होंगे, क्या सोचेंगे आप, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, मिलेंगे अगली दफे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी।